हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं टू मून्स टू के फिफ्थ एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और वायो को अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ दिखाया जाता है। वो सब वायो को साथ चलकर आइसक्रीम खाने को पूछते हैं। तभी उसके फ्रेंड्स मिंग और फा को देखकर शाउट करने लगते हैं। वो दोनों वहाँ हीरो वाली पोजीशन में होते हैं। वायो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि वो लोग जाकर आइसक्रीम खाए, बिकॉज उसकी मीटिंग है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वायो मिंग और फा को जाकर कहता है कि वो दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे है और ये प्लेस एक्सप्लोर हो सकता है। फा वायो को अपनी और उसकी डेट के बारे में याद दिलाता है और वो वायो को साथ में लंच पे चलने को बोलता है। मिंग कहता है कि वो भी जाएगा और वो वायो को रिक्वेस्ट करने लगता है और वो वायो को कहता है कि उसने वायो को बहुत ज़्यादा मिस किया। वायो मिंग को अकेले में पूछता है कि आखिर बात क्या है। मिंग कहता है कि फा ने उसे बताया कि वो वायो को डेट कर रहा है और वो वायो से पूछता है कि क्या ये बात सच है। वायो यस कहता है। मिंग उसकी बात सुनकर उसे बोलता है, बट ये बात उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे छुपाई। वायो उसे कहता है कि ये तो रिसेंटली की बात है और वो अभी भी कन्फ्यूज है। मिंग उसे कहता है कि वो जानना चाहता है कि ये सब बातें सच है या नहीं, बिकॉज उसने उसे फा से मिलाने में लंबे टाइम तक उसकी हेल्प की है। इसके बाद उन लोगों को रास्ते में जाते हुए दिखाया जाता है। फा और वायो बातें कर रहे होते हैं। इतने में मिंग वायो को कहता है कि वायो उसके साथ जाएगा और वायो को ना चाहते हुए भी उसे यस बोलना पड़ता है। इसके बाद फा वहां से चला जाता है। फा के जाने के बाद मिंग उसे बोलता है कि फा ने उसे खुद से चूज करने दिया और वायो ने मिंग को चूज किया, तो फा इस टेस्ट में पास हो गया। वायो उसे कहता है वो पास हो या ना हो, बट वो अब उसका बॉयफ्रेंड है। मिंग उसे बोलता है कि उसे भी कोई ऐसा लवर चाहिए बिल्कुल वायो जैसा। वायो उसे कहता है कि बहुत जल्द उसके लाइफ में भी कोई आएगा, तो मिंग उसे कहता है बट कीट उसके जैसा नहीं है। और वो कहता है कि कीट हमेशा नाराज रहता है और वो कभी भी क्या फील कर रहा है ये नहीं बताता। वायो उसे कहता है तो क्या वो गिव अप करने वाला है। मिंग बोलता है वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा। उसके बाद फा वायो और मिंग को साथ में लंच करते हुए दिखाया जाता है और लंच करने के दौरान फा वायो के साथ रोमांटिक होने लगता है, तो मिंग कहता है कि वो अपने आप को थर्ड व्हील फील कर रहा है। इसके बाद मिंग फा से पूछता है कि कीट कहाँ है। फा उसे कहता है कि वो कीट के बारे में पूछ रहा है पर बिम के बारे में क्यों नहीं। मिंग उसकी बातों को सुनकर शाय हो जाता है और वो फा को बोलता है कि उसे तो पता ही होगा। फा उसे कहता है कि कीट शॉपिंग पे गया है बिम के साथ। इसके बाद वायो को वॉशरूम जाते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे अगेन वही लड़का उसे मिलता है। वो वायो से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद वहाँ पे फा आ जाता है और वो वायो को पूछता है कि वो लड़का कौन है। वो लड़का फा को कहता है कि वो दोनों सेम डिपार्टमेंट से हैं और वो कहता है कि उसने यहाँ पे वायो को देखा तो वो उसे हेलो कहने चला आया। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद फा वायो से पूछता है कि वो लड़का कौन था। वायो बोलता है कि वो उस लड़के को नहीं जानता और वो उसे बताता है कि वो आज ही सुबह उस लड़के से मिला था और वो लड़का उसका नंबर मांग रहा था। फा वायो को पूछता है तो क्या उसने अपना नंबर उसे दिया। वायो उसे कहता है कि उसने अपना नंबर उसे नहीं दिया और उसे कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है। फा ये बात सुनकर खुश हो जाता है और फा वायो को कहता है कि वो जानता है कि वायो उसे सच कह रहा है, बट वो फिर भी जेलस हो रहा है और वो वायो को सॉरी बोलता है। इसके बाद सीन चेंज होकर कीत और बीम को पिन की शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। बीम कीत को बोलता है कि उसे किसी को डेट करना चाहिए बिकॉज वो आजकल बहुत ज्यादा लोनली हो गया है। इसके बाद बीम कीत को मिंग का नाम लेकर टीज करने लगता है और वो उसे कहता है कि उसके आगे पीछे आजकल तो यूनिवर्सिटी का मून रहता है, तभी तो वो किसी को भी डेट नहीं करना चाहता। कीत उसकी बातों से नाराज हो जाता है तो बीम उसे सॉरी बोलता है और वो कीत को कहता है कि क्या वो किसी बात से परेशान है, और अगर वो सच में किसी बात से परेशान है तो वो हमेशा बीम से बात कर सकता है। कि अचानक मिंग उनके सामने आ जाता है और वो उनको हेलो बोलता है। इसके बाद कीत कैश पे करने जाता है और मिंग भी उसके पीछे पीछे वहाँ चला जाता है और वहाँ पे जो कैशियर लड़की होती है वो मिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। मिंग वहाँ कीत को बोलता है कि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं देता। कीत उसकी बातों को इग्नोर करता है। इसके बाद मिंग कीत ने जो चीजें ली थी उसके पैसे पे कर देता है, तो कीत उसे पैसे देता है पर वो पैसा नहीं लेता। वो उसे कहता है कि वो उसे कॉफी खरीद दे। इसके बाद दोनों को कॉफी शॉप पे दिखाया जाता है। मिंग वहाँ कीत से पूछ रहा होता है कि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं देता। कीत उसे बोलता है वो बिजी था। मिंग कीत से पूछता है कि क्या वो उसे इतना ज्यादा परेशान करता है। इसके बाद कीत उसे कहता है कि उसे मिंग से एक जरूरी बात करनी है और वो मिंग से पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो क्या कहना चाहता है।
मिंग उसे कहता है कि वो एक प्लेबॉय है और उसे परेशान ना करे और कीत उसे कभी लव नहीं करेगा। कीत कहता है हाँ, वो यही कहना चाहता है। बट ये उस दिन के बाद से जब उसने ये बात कही कि वो उस लड़की से बातें नहीं करेगा और वो उसे बातें करना बंद कर देगा और वो कीत को डेट करेगा, तो इस बात का उसे बहुत बुरा लगा और उसने बहुत सोचा कि क्या मिंग ने कभी उस लड़की से लव भी किया था, और अगर कीत उसे डेट करे तो वो ये सारी चीज़ें उसके साथ भी करेगा जो उसने उस लड़की के साथ किया। बट मिंग उसे कहता है कि इसका मतलब उसने मिंग को डेट करने के बारे में सोचा तो मिंग का इतना ज़्यादा इफेक्ट उस पर हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बीम पीछे बैठा होता है और वो कीत को वहाँ से गुस्से में ले जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर कीत और बीम को उनके बेडरूम पे दिखाया जाता है। कीत बीम को बोलता है कि उसे क्या हुआ, तो बीम उसे कहता है कि उसने उसकी और मिंग की सारी बातें सुनी और वो कीत को कहता है कि वो अपना पूरा दिल मिंग को दे चुका है। कीत उसकी इन सारी बातों को सुनकर उसे कहता है कि उसे सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है। बीम उसे कहता है कि उसने कीत की सारी बातें सुनी जो भी उसने मिंग को कहा, और वो कीत को कहता है कि वो कीत के लिए वरीड है और वो नहीं चाहता कि वो हर्ट हो। इसके बाद वहाँ पे फा आता है और वो अपने साथ मिंग को भी लेकर आता है और वो कहता है कि मिंग बाहर खड़ा था। इसके बाद फा उन सबसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। इसके बाद बीम कहता है कि उसने और कीत ने डिसाइड किया है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। उसकी बातें सुनकर फा बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और मिंग अपसेट हो जाता है और कीत भी बीम की बातों से अग्री करता है। कीत को बुरा तो लग रहा होता है और वो कंटिन्यू मिंग की तरफ ही देख रहा होता है। इसके बाद बीम मिंग को कहता है कि वो तो अब सब कुछ जान गया है और इसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड को परेशान करना बंद कर दे। मिंग कीत को बोलता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है और वो कीत को बोलता है कि उसका क्या जो उन लोगों ने थोड़ी देर पहले बातें की है। कीत उसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी बीम उसके चिक पे किस कर देता है। कीत बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मिंग वहाँ से चला जाता है। मिंग के जाने के बाद कीत बीम को बोलता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बीम उसे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मिंग उसका पीछा नहीं छोड़ता, और वैसे भी मिंग यही डिजर्व करता है क्योंकि उसने भी बहुत सारी लड़के के साथ ऐसा किया है। कीत उसे नाराज होकर बोलता है कि वो सब पास्ट की बात है। बीम उसे कहता है कि वो तो उसकी हेल्प कर रहा था बट वो मिंग की साइड लेने लगा, और कीत उसे कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम है तो उसने अपनी टांग ना अड़ाए। बीम उसकी बातों से नाराज होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पा उसे कहता है कि उसे हमेशा से यही लगता था कि बीम कीत को लाइक करता है। कीत कहता है कि ये सब कैसे हो सकता है बिकॉज वो तो फ्रेंड्स है। बट पा उसे कहता है कि वो बिल्कुल श्योर है कि बीम उसे लाइक करता है। इसके बाद मिंग को वाई के रूम पे दिखाया जाता है। वो उसे सारी बातें बताता है और मिंग बहुत ज्यादा अपसेट होता है। इसके बाद मिंग वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पे फा आ जाता है। फा मिंग को पूछता है कि वो ठीक तो है। मिंग उसे कहता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है बट वो बेटर हो जाएगा, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फा और वायो को बेड में साथ में लेटे हुए दिखाया जाता है। फा उसे बोलता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वायो उसे डर रहा हो, और फा उसे बोलता है कि वो दोनों तो कपल है। वायो उसे बोलता है कि फिर भी ये सब स्कैरी है। फा उसे पूछता है कि वो किस बात से डर रहा है। इसके बाद फा वायो के साथ रोमांटिक होने लगता है और वायो को टीज करने लगता है। वायो उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी वायो के पास फोर्ट का कॉल आता है। वायो और फोर्ट फोन पे बात कर रहे होते हैं। फा वायो को टीज कर रहा होता है और वो वायो को फोर्ट से बात करने नहीं देता। इसके बाद रात हो जाती है और फा वहाँ से जाता है और वो वायो को आई लव यू कहता है और वायो भी उसे आई लव यू कहता है। फा के जाने के बाद वायो देखता है कि फा का फोन वायो के रूम पे रह गया और वो फा के फोन से सभी को मैसेज कर देता है कि फा कमिटेड है और उसके लाइफ में कोई है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फा आधी रात को वायो के रूम पे वापस आता है अपना फोन लेने के लिए। वायो तब तक सो चुका होता है। इसके बाद वो अपना फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होकर नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ वायो और मिंग एक क्लास में बैठे होते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं बट वहाँ पे सभी मिंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। इसके बाद मिंग वायो को पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। वायो मिंग को बोलता है कि उसे एक बार कीत से फेस टू फेस डायरेक्टली बातें करनी चाहिए। इसके बाद मिंग वायो को अपने साथ मेडिकल वाली बिल्डिंग पे चलने को बोलता है बिकॉज उसे कीत से अभी बातें करनी है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें वही लड़का मिलता है और वो वायो को कहता है कि उसने लड़का बदल लिया, कल वो दूसरे लड़के के साथ था,
और आज वो दूसरे लड़के के साथ है और दोनों ही यूनिवर्सिटी के मून हैं। और वो वायु को कहता है कि उसमें जरूर कोई बात है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी टू मून्स टू के फिफ्थ एपिसोड की कहानी। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।